नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। मॉडर्न हिस्ट्री के रिवीजन सीरीज का अगला वीडियो लेके आ गया हूँ मैं। इसमें आज हम 96 क्वेश्चंस का फिर से प्रैक्टिस करेंगे। और आज आपको कौन कौन से टॉपिक्स मिलेगा, किसान आंदोलन, उसके बाद से रॉलेट सत्याग्रह, उसके अलावा ट्रेड यूनियन आंदोलन और खिलाफत आंदोलन, इससे संबंधित आपको क्वेश्चंस मिलेंगे 96। नेक्स्ट वीडियो में आपको असहयोग आंदोलन से संबंधित मिल जाएंगे। तो 96 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम गांधी या स्वदेशी आंदोलन ये सारा कंप्लीट कर चुके हैं, जिसको आप जाके देख सकते हैं, हजारों लोग देख चुके हैं। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? इस तरह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। बिजौलिया का आंदोलन, बिजौलिया, ओके। कहाँ पर हुआ था ये आंदोलन? बिजौलिया में आंदोलन हुआ था 1913 ईस्वी में। सीताराम दास ने किया था इसका अगुवाई, है ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि निम्न से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबद्ध नहीं था? देखो इस तरह क्वेश्चन बीपीएससी भी पूछता है ना, और यूपी पीसीएस में भी आपका सीधा सीधा पूछ लेगा। नहीं था पूछा है इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय। 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा से पूछ रहा है, इसका क्या आंसर हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू इससे संबंधित नहीं थे। अगले पर चलते हैं और पढ़ देता हूँ मैं इस पर क्या लिखा हुआ है कि अवध में होम रूल लीग आंदोलन के कार्यकर्ता काफ़ी सक्रिय थे। होम रूल लीग आंदोलन 1915 में जो शुरू हुआ था और किसानों को संगठित करना शुरू किया। संगठन को नाम दिया गया किसान सभा। फरवरी 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र, मदन मोहन मालवीय के प्रयास से यूपी में किसान सभा की स्थापना हुई थी। तो जो लोग बीपीएससी दे रहे हैं वो इसका नाम सबका याद रखें, इन सबका आपको ये ऑप्शन कन्फ्यूज़ कर सकता है। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप जो 1919 में था वो किससे संबंधित है? इनमें से ये 39 बीपीएससी 1994 का है। किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया साधुओं द्वारा चलाया गया आंदोलन, जिसमें निम्न जाति के लोगों का उद्धार हो सके। जमींदारों द्वारा गांव के निम्न जातियों के विरुद्ध उठाया गया कदम। निम्न जातियों द्वारा ठेकेदारों के विरुद्ध उठाया गया कदम, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा तीसरा का? ये हो जाएगा किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया आंदोलन था, सामाजिक बॉयकॉट वाला आंदोलन था ये, है ना। और इसमें कौन कौन किनका नाम आता है? तो झिंगुरी सिंह, दुर्गपाल सिंह थे, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन जल्दी आंदोलन में एक नया चेहरा उभरा बाबा रामचंद्र का, जिन्होंने आंदोलन की बागडोर ही नहीं संभाली अपितु उसे मजबूत और जुझारू भी बना दिया, है ना। और इसमें क्या था कि लोगों का बाइकआउट करना था। अवध के प्रतापगढ़ जिले के एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार और संगठित कार्रवाई की पहली घटना थी ये। और 1920 में इन्हीं के प्रयासों से अवध किसान सभा का भी गठन हुआ था। बाबा रामचंद्र का नाम किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण नाम है। अगला है कि वह कौन था जहां वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था? अवध, बिहार, बंगाल, आंध्र प्रदेश, तो इसका कैंसर हो जाएगा चौथा का ए हो जाएगा, अवध। 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए, उनके प्रभाव क्षेत्र को सुमेलित करना है। तो सहजानंद सरस्वती, खुदाई खिदमतगार, स्वामी रामानंद, अब्दुल हमीद खां। तो सहजानंद सरस्वती कहाँ से आते हैं? ये बिहार से आते हैं। खुदाई खिदमतगार पूछा है और NWFP है और इधर हैदराबाद है, और स्वामी रामानंद और अब्दुल हमीद का नाम पूछा है। तो बाकी को मैच कर लेते हैं यहाँ पर, इसमें दिया है बी ऑप्शन, पढ़ देता हूँ मैं इसको। स्वामी सहजानंद बिहार प्रांतीय सब किसान सभा के संस्थापक थे। वर्ष 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बदलकर बाद में अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया था, और इसका अध्यक्ष श्री स्वामी सहजानंद को ही बनाया गया था। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार का गठन हुआ था, है ना। और लाल कुर्ती संगठन ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। स्वामी रामानंद हैदराबाद और अब्दुल हमीद खां दक्षिणी असम से संबद्ध थे, है ना। तो एक का तीन दिया है, एक का तीन, और अब्दुल हमीद खां दक्षिणी असम, स्वामी रामानंद हैदराबाद और खुदाई खिदमतगार NWFP दिया है, ओके। यहाँ पर कौन थे? खानदान बुजुर्ग गफ्फार खां, लाल कुर्ती आंदोलन जो चलाया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इनमें से कौन किसान सभा आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे? स्वामी विद्यानंद, स्वामी सहजानंद, सरदार पटेल, बाबा रामानंद, इसका क्या आंसर हो जाएगा सक्रिय रूप से? तो बी आंसर इसका सबसे सटीक दिया है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सरकार को लगान देना बंद करना, जमींदारों का अधिकार की रक्षा करना, सत्याग्रह की समाप्ति, लगान का नगद में परिवर्तन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, लगान का नगद में परिवर्तन इसका मेन था उद्देश्य। मदारी पासी हैं इसके नेतृत्वकर्ता, पिछड़ी जाति से आते थे ये। इस आंदोलन जिनकी गतिविधियों मुख्य केंद्र हरदोई, बाराबंकी, बहराइच और सीतापुर था, यूपी के ये सारे डिस्ट्रिक्ट हैं। किसानों के मुख्य शिकायतें जमींदारों द्वारा लगान में बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान वसूल करने की प्रथा को थी। किसानों ने 50% से अधिक लगान वसूल किया जा रहा था।
जमींदारों के गुर्गे ठेकेदार किसानों को प्रताड़ित करते थे। और इसमें क्या किया, इस आंदोलन में सरकार को लगान देना बंद नहीं किया गया, बल्कि आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग थी कि बढ़ती महंगाई के कारण लगान का नगद में रूपांतरण किया जाए। ओके, अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि बिहार की प्रांतीय किसान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था। ये हर बार ही बीपीएससी में पूछता है, तो ए आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और कब किया गया था ये, 1929 में, 1929 इसमें किसान सभा की स्थापना हुई। इस सभा का विस्तार बिहार के गांव में करने में उन्हें कार्यानंद शर्मा, राहुल संस्कृतायन, पंचानंद शर्मा, मधुनंद शर्मा, मधुनंदन शर्मा आदि वामपंथी नेताओं का सहयोग मिला था। ओके ना, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 में हुई है। स्वामी सहजानंद निम्न से किससे संबंधित है, 66 बीपीएससी 2020 से पूछा है, तो बिहार किसान आंदोलन सी आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी, तो स्वामी सहजानंद जी ने ही की थी। अप्रैल 1936 में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई थी, अप्रैल 1936 में। देखो अखिल भारतीय की बात कर रहा हूँ 1936 में, अब बिहार में 1929 में। ओके ना, बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष, और आंध्रा में किसान आंदोलन का अगुवा, कृषि क्षेत्र की समस्याओं का विद्वान एनजी रंगा इसके महासचिव चुने गए थे। ओके ना, ये आंध्र प्रदेश के नेता थे एमजी रंगा। और फैजपुर में कांग्रेस सत्र का, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का भी दूसरा सत्र चला था फैजपुर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता एनजी रंगा ने ही किया था 1936 में। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया, इसका आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती, बिहार पीसीएस 2016। मैंने बोला ना, हर साल बिहार पूछता है। अगला है कि लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया, इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी एनजी रंगा। 13 के अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया, तो 1936 ईस्वी, ए आंसर हो जाएगा इसका, बिहार पीसीएस में हर साल किसान से क्वेश्चन पूछता है। वह कौन सी जगह है जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था, अखिल भारतीय के कहां हुआ था, लखनऊ में, 14 का सी आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था, बिहार के जनजातीय आंदोलन, बिहार के किसान आंदोलन। बार बार बीपीएससी में एक ही तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस टॉपिक से, इसको छोड़ के मत जाना। अखिल भारतीय और बिहार किसान कांग्रेस, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। बिहार में 1929 में हुआ है गठन, और अखिल भारतीय स्थल पर 1936 में लखनऊ में हुआ है। और अवध किसान सभा से कौन जुड़े हुए थे, बाबा रामचंद्र। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन कब किया था, इसका आंसर उनकी मृत्यु के ठीक पहले है ना, किस तरह का ऑप्शन दिया है ये, 1956 और 59 बीपीएससी में पूछ चुका है ये। देखो इसमें क्या है, अखिल भारतीय किसान सभा गठन 1936 में किया गया। स्वामी सहजानंद की मृत्यु वर्ष 1950 में हुई है। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन अपनी मृत्यु से ठीक पहले किया था। अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा तीन है, एक बिहार किसान सभा है, एक अखिल भारतीय किसान सभा है, एक अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा है। इस सभा का उद्देश्य भूमि, जलमार्ग और ऊर्जा के सभी स्रोतों का राष्ट्रीयकरण करना था। अगला है, निम्नलिखित में किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था, प्रथम अखिल भारतीय 1936 में जो हुआ उसमें किसने भाग लिया था, तो पंडित नेहरू ने उसमें भाग लिया था, इसका आंसर ए हो जाएगा। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे, इसका क्या आंसर हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद, सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, भगत सिंह, इसका आंसर ए हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद जी बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े हुए रहे थे। ओके ना, अब सूची को मैच करना है, बारदोली सत्याग्रह, भारतीय किसान विद्यालय, बंगाल प्रजा पार्टी, बंगाल कृषक पार्टी जिसको कहते हैं, बकास्त संघर्ष है ना, और इसमें किसको किसको मैच करना है, बारदोली सत्याग्रह में सरदार पटेल आ जाएंगे, भारतीय किसान विद्यालय और बंगाल प्रजा पार्टी किन की थी, फजलुल हक जी की थी, तो ए का दो, बी का तीन, ए ऑप्शन में एक दिख रहा है ना। अब इसको देख लेते हैं, यहाँ पर बी ऑप्शन दिया है, यानी कि ए का दो, बी का चार है, सॉरी माई मिस्टेक, किसका था, सी का तीन था, हाँ तो बी ऑप्शन इसमें है ना। उसके बाद से बी का चार है, बिहार भारतीय किसान विद्यालय एनजी रंगा, और उसके बाद से डी का वन, बकास्त संघर्ष, स्वामी सर्वानंद सरस्वती जी का नाम आता है। तो कौन कौन से हो गए, बारदोली सत्याग्रह सरदार पटेल, भारतीय किसान सभा एनजी रंगा, बंगाल कृषक पार्टी जो थी फजलुल हक की हो गई, बंगाल प्रजा पार्टी फजलुल हक का हो गया, और बकास्त संघर्ष स्वामी सर्वानंद सरस्वती जी का हो गया। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, बारदोली सत्याग्रह सरदार पटेल, भारतीय किसान विद्यालय एनजी रंगा, बंगाल प्रजा पार्टी फजलुल हक, और बकास्त संघर्ष स्वामी सर्वानंद सरस्वती। ओके,
1928 में सूरत जिले के बारदोली तालुक में गांधीवादी आंदोलन शुरू हुआ और सत्याग्रह को पर्याप्त सफलता मिली थी। यह मेहता बंधु सरीखे गांधी जी के अनुयायी ने वर्ष 1922 से निरंतर अभियान चला रखा था। 1928 में कृषक आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। बारदोली सत्याग्रह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी आंदोलन की सफलता के कारण पटेल को बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। सरदार पटेल के नाम में जो सरदार लगा हुआ है वो बारदोली सत्याग्रह के बाद वहाँ की महिलाओं ने ही दिया था। भारतीय किसान विद्यालय की स्थापना एनजी रंगा ने की थी। 1929 में फजलुल हक ने प्रजा पार्टी, जो बाद में बंगाल प्रजा पार्टी की स्थापना की। 1937 में हुए चुनाव में इसने बंगाल मुस्लिम लीग के साथ मिलकर ये सरकार बनाई। और बिहार का बकास स्वयं खेती की भूमि है ना, बकास का मतलब होता है स्वयं खेती की भूमि जो होती है, इसका संघर्ष स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती से संबंधित है। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 21 का ए है हो जाएगा आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी, इसका आंसर हो जाएगा 22 का डी, बारदोली सत्याग्रह में। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी, तो चूंकि दी थी बारदोली की महिलाओं ने, लेकिन इसमें सब जगह लिखा आता है महात्मा गांधी जी ने दी थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के किस आंदोलन में दी थी, तो बारदोली सत्याग्रह के दौरान दी थी। बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी, जमींदारों के हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके एक तिहाई भाग करना। जमींदारों को पहले फसल का आधा भाग मिल जाता था, इसमें आंदोलन में क्या था कि उनका एक तिहाई मात्र देना है ना, बाकी किसानों का होगा, यही था तिभागा आंदोलन। और ये कब चलाया गया था, आज़ादी से ठीक पहले चलाया गया था, 1946 में बंगाल में चलाया गया था। इसको याद रखना, आज़ादी के ठीक पहले का आंदोलन है ये तिभागा आंदोलन, और इसमें किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है। अगला है कि भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश है ना। तो इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, ये पता होना चाहिए भूदान आंदोलन। सबसे पहले तो इसमें जुड़े हुए कौन आते हैं, आचार्य विनोबा भावे आते हैं, ओके। और इसमें सबसे पहले शुरू हुआ आंध्र प्रदेश में 18 अप्रैल 1951 को है ना, 1951 को शुरू हुआ है, जब लैंड रिफॉर्म एक्ट इसके बाद लागू हो जाएगा। और 1950 के दशक में पता ही है ये गांधीवादी, संपूर्ण रूप से गांधीवादी नेता थे। और 1953 भूदान आंदोलन से जुड़ गए। 1955 के अंत तक भूदान आंदोलन एक नया रूप धारण कर लिया, वह था ग्रामदान का है ना। ग्रामदान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, उड़ीसा में हुई थी, और यहाँ यह सफल रहा था, इसको भी आप लोग याद रखना। भूदान कहाँ से, तो आंध्र प्रदेश से, और ग्रामदान उड़ीसा से शुरू हुई थी। आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित में से कौन सा एक उससे संबद्ध था, उदयगिरी, रायपुर, पोचमपल्ली, वेंकटगिरी। देखो आईएएस 2007 का क्वेश्चन है, तो इस तरह के क्वेश्चन बार बार रिपीट कर सकता है, पोचमपल्ली है। भूदान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो सी आंध्र प्रदेश हो जाएगा, सी आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, तो आचार्य विनोबा भावे जी का नाम आता है इसमें। और व्यक्तिगत सत्याग्रही में पहले सत्याग्रही यही थे, आपको पता होगा व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में चला था, जिसका नारा भी था दिल्ली चलो, ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल। अगला टॉपिक इसी से संबंधित क्वेश्चन है सारे। उसके बाद अगला टॉपिक आएगा, भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की थी, तो वीपी वाडिया जी ने प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की थी, वीपी वाडिया है। पहला का आंसर बी हो जाएगा। 1918 में स्थापित मजदूर मद्रास मजदूर संघ भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संगठन था, तो वीपी वाडिया ने 1918 में, इसको आप लोग याद रखना, सीक्वेंस में लगाने के लिए भी दे सकता है, मद्रास मजदूर संघ की स्थापना की थी। निम्नलिखित में किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी, तो महात्मा गांधी ही जुड़े हुए थे इससे, ओके। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, पहले अध्यक्ष का नाम पूछा है, तो इसके अध्यक्ष थे पहले लाला लाजपत राय, ओके। और एनएम जोशी थे, नारायण मल्हार जोशी, ये इसके पहले सचिव थे, तो लाला लाजपत राय पहले अध्यक्ष थे। और इसकी स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी, 31 अक्टूबर 1920 को बंबई में इसकी स्थापना हुई थी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की। और इसके पहले सदस्य कौन थे, लाला लाजपत राय, और इसके सचिव थे एनएम जोशी। और इसकी स्थापना का कारण 1919 में जो आईएलओ का हुआ था, आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो स्थापना हुआ था, उसी के बाद इसकी स्थापना हुई थी भारत में। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे, और उपाध्यक्ष जोसेफ बेस्टिस्टा थे, महामंत्री दीवान चमनलाल बजाज थे। संगठन का प्रथम विभाजन 1929 में नागपुर अधिवेशन हुआ, इस समय जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। तो उपाध्यक्ष कौन थे, बेप्टिस्टा। बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो सन 1920 ईस्वी में हुई, अभी आया ऊपर। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में बम्बई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, फिरोज शाह मेहता, वीवी गिरी, लाला लाजपत राय, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी लाला लाजपत राय ने की थी, जिनको शेर ए पंजाब कहा जाता है। 1920 में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता किसने की थी, लाला लाजपत राय जी ने की थी, छठा का ए हो जाएगा।
रिपीट है, बार बार आपको याद हो जाएगा ये चीज़। 1929 में नागपुर में सम्मान ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? 1929 की बात हो रही है ये। अब बताओ इसका आंसर, जवाहरलाल नेहरू, आचार्य नरेंद्र देव, सुभाष चंद्र बोस, यूसुफ मेहर अली। इसका क्या आंसर हो जाएगा? 7 का ए, जवाहरलाल नेहरू जी ने जो 1929 में इसका आयोजित हुआ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता की थी उन्होंने। 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, और बस यही था उसमें 1929 वाले में जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल है ना, 1917 में जब रूस की क्रांति हुई उसके बाद वहाँ पर कम्युनिस्टों का पूरा पूरी गठन हो गया, पूरे विश्व लेवल पर उनको कम्युनिस्ट का विचारधारा फैलाना था, तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल बार बार आयोजित किए जाते थे जिसके सदस्यता भी लोग ग्रहण करते थे। भारत के पहले मानवेंद्रनाथ राय थे, एम एन राय, जिन्होंने कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने थे। 1929 में व्लादिमीर इलिचित लेनिन और रूसी पार्टी बोल्शेविक द्वारा की गई थी कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना। एम एन राय लेनिन के निमंत्रण पर मॉस्को गए और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने थे। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले पे वे पहले भारतीय थे। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कहाँ पर हुआ था आप बता सकते हो? ये आ गया, अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्रित हुए भारतीय समूह के मुखिया निम्न से कौन से थे? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कहाँ पर हुई है? ताशकंद में। कब हुई है? 1920 ईस्वी में। इसको आप लोग याद रखना, एम एन राय इसके आंसर हो जाएंगे, मानवेंद्रनाथ राय। 17 अक्टूबर 1920 को एम एन राय ने अवनी मुखर्जी, मोहम्मद अली और मोहम्मद शफीक के साथ मिलकर ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। अगला है, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा जिस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था वो किसके खिलाफ था? कानपुर षड्यंत्र मुकदमा साम्यवादियों के खिलाफ था, कम्युनिस्टों के खिलाफ था। 10 का सी हो जाएगा, और इसमें नाम देख लो क्योंकि नाम पूछता है, यूपीपीसी से पिछली बार पूछा था। यह मुकदमा कानपुर षड्यंत्र के नाम से प्रसिद्ध है, कम्युनिस्टों पर मुकदमा चलाया गया था और कानपुर को कम्युनिस्टों कैपिटल कहा जाता था उस समय। 1924 में एम एन राय, श्रीपद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत अली, गुलाम शौकत हुसैन, रामचरण लाल शर्मा, सिंगार वेलू चेटियार पर कानपुर मुकदमा चलाया गया था। किन किन पर? मैं फिर से पढ़ता हूँ, एम एन राय, श्रीपद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, गुलाम शौकत हुसैन, रामचरण लाल शर्मा, सिंगार वेलू चेटियार पर कानपुर मुकदमा चलाया गया था। और उसके बाद क्या है, जिसका उद्देश्य भारत में क्रांतिकारी संगठन को स्थापित करना था। पेशावर षड्यंत्र और मेरठ षड्यंत्र मुकदमा भी साम्यवादी आंदोलन में ही है, मेरठ षड्यंत्र और पेशावर षड्यंत्र भी कम्युनिस्टों के खिलाफ ही सरकार का आंदोलन था, है ना, मतलब कार्रवाई। निम्नलिखित में किस केस के समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टाइन, एच जी वेल्स, हेराल्ड लॉस्की और रूजवेल्ट ने सहानुभूति दिखाई थी, है ना, अभियुक्तों के समर्थन में? तो ये कौन हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा मेरठ षड्यंत्र केस। इसमें भी कम्युनिस्ट सारे गिरफ्तार किए गए थे। इसमें कौन कौन है, इसमें नाम नहीं दिया यहाँ पर। 1922 से 1929-30 में हुआ था ये, है ना, और 33 श्रमिक नेताओं पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था, इसके पूरी विश्व में चर्चा हुई थी। और पिछले वाले पर डेट कब दिया है? 1924, है ना। ट्रेड यूनियन आंदोलन का क्रांतिकारी चरण का समय क्या है? ट्रेड यूनियन आंदोलन का क्रांतिकारी चरण, अगर भगत सिंह मूवी देखी होगी तो आपको याद होगा 1926 से 1939 के बीच में, भगत सिंह मूवी में भी दिखाया है कि ट्रेड यूनियन ट्रेड डिस्प्यूट बिल के जरिए लोगों को दबाया जा रहा था, उसके खिलाफ भी उन्होंने क्रांति किया था। तो इसका बी आंसर हो जाएगा, 1926 से 1939 तक चला था ट्रेड यूनियन क्रांतिकारी आंदोलन का चरण था ये, है ना। इस दौरान एम एन राय, मुजफ्फर अहमद, श्रीपद डांगे और शौकत उस्मानी आदि भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के प्रमुख नेता थे। अगला है कि 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था? रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी तो एम एन राय ने किया था, एम एन राय ने किया था। सचिन नाथ सान्याल ने बंदी जीवन नामक किताब लिखी, सचिन नाथ सान्याल जो है इनमें, इन्होंने बंदी जीवन किताब लिखा है। अगले पर चलते हैं कि सौमेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम क्या था? सौमेंद्रनाथ टैगोर द्वारा तो क्रांतिकारी साम्यवादी दल, क्रांतिकारी साम्यवादी दल, रिवॉल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना 1934 में सौमेंद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी। यह पार्टी भारतीय साम्यवादी दल CPI से टूट कर बनी थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से टूट कर बनी थी। रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड है अगला, 1919 ईस्वी में हुआ था, ये सबको पता है कहानी, इससे संबंधित क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेंगे। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न कर दिया था? तो इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजे जाने के लिए अधिकृत किया गया था। तो यही तो इसका आंसर है, पहला का सी हो जाएगा। 1917 में सिडनी रॉलेट, न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई जिसका उद्देश्य देश से क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। इसके सुझाव पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। रॉलेट अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको जब चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल बंद कर सकती थी, इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया है।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि रॉलेट एक्ट लाने का प्रयोजन क्या था, तो इसका एक ही मत था, राष्ट्रीय और क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना, बी आंसर हो जाएगा दूसरा का। तीसरा है कि रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया, सन 1909, 1919, 1930, 1942, ऑप्शन इतना दिया है तो आप आसानी से कर सकते हो 1919 ईस्वी में। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था, तो फिर से वही क्वेश्चन पूछा, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा खत्म कर देना। रॉलेट एक्ट के संदर्भ में तो कौन सा कथन सत्य है, यूपीएससी भी इससे जम के क्वेश्चन पूछता है हर साल ही, आईएएस 2015 क्वेश्चन है ये। रॉलेट एक्ट अधिनियम सेडिशन कमीशन की सिफारिश पर आधारित था। रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया और साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रॉलेट सत्याग्रह के साथ ही हुए थे। तो देखो तीसरा ऑप्शन तो काट ही दो क्योंकि साइमन कमीशन कोई लेना देना है नहीं, बाकी एक और दो बिल्कुल सही है। क्या गांधी जी कभी होम रूल लीग के सदस्य बने, नहीं, लेकिन क्या अध्यक्ष बने, हाँ, उन्होंने इसका स्वराज दल नाम कर दिया था 1920 ईस्वी में जब उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। ओके अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और 1919 में ही हुआ था। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड वेवेल, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। फिर 1919 ईस्वी में चेम्सफोर्ड सुधार भी आएगा। ओके अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, रॉलेट एक्ट किस वायसराय के कालित्व में पारित हुआ, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड सी हो जाएगा सात का। आठवें क्वेश्चन पर आगे, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया, क्योंकि क्यों विरोध किया था, व्यक्ति स्वतंत्रता को सीमित करना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रतिबंधित करना, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को विस्तारित करना, देशद्रोह का अपने राष्ट्रीय नेताओं को बंदी बनाना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, व्यक्ति स्वतंत्रता को सीमित करना। लोग वैसे दो ऑप्शन में कन्फ्यूज हो सकते थे, पहला होगा ए ही होगा, आठ का ए होगा। अगला, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम क्या था, चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन, रॉलेट सत्याग्रह, दांडी यात्रा। अब देखो इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, आईएएस 1999 का है, तो इसका आंसर आईएएस वालों ने क्या दिया था देख लेते हैं, यूपीएससी ने इसका दिया था बी, सबको पता है रॉलेट सत्याग्रह, और पहला उनका सत्याग्रह कौन सा था, चंपारण आंदोलन, लेकिन पहला साहसिक कदम उन्होंने रॉलेट सत्याग्रह के दौरान उठाया था। अब इसको मैं पढ़ देता हूँ, अखिल भारतीय राजनीति गांधी जी का पहला साहसिक कदम रॉलेट एक्ट के विरुद्ध 1919 में प्रथम प्रारंभ सत्याग्रह था। गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह के तीन राजनीतिक मंचों का उपयोग किया, होम रूल लीग, खिलाफत और सत्याग्रह सभा। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व चंपारण, खेरा, अहमदाबाद गांधी जी के आंदोलन क्षेत्र विशेष से संबंधित, देखो क्षेत्रीय स्तर पर चंपारण, खेरा और अहमदाबाद था, लेकिन रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो सत्याग्रह था इसको देश भर में उन्होंने फैलाने की कोशिश की थी। दसवां क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाए जाने का सुझाव दिया था, अब्दुल कलाम आजाद, गांधी जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी श्रद्धानंद। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है ना, इसका क्या आंसर हो जाएगा डी, स्वामी श्रद्धानंद जी ने दिया था कि कर नहीं देना चाहिए हमें। द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, रॉलेट एक्ट ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में जो समिति गठित हुई तो उसी का सुझाव था। 12 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटित हुई थी, तो रॉलेट एक्ट का बनना ही घटित हुआ था। 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 5 अप्रैल, 13 अप्रैल, 1 अप्रैल, 29 अप्रैल, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था, स्वदेशी आंदोलन, रॉलेट सत्याग्रह, बारदोली, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, रॉलेट एक्ट के विरोध में ही वहाँ पर प्रदर्शन, वहाँ पर चूँकि प्रदर्शन हुए थे डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इनके रिहाई के लिए वहाँ पर लोग इकट्ठे होकर प्रदर्शन कर रहे थे, ये इन दोनों को अंग्रेजों ने कैद कर लिया था, तो इसी के खिलाफ वहाँ पर लोग प्रदर्शन कर रहे थे इकट्ठा होकर, तो गोली चला दी गई थी। वर्ष 1919 में भारतीय इतिहास से संबंधित है, किससे, जलियांवाला बाग की विभीषिका से संबंधित है, त्रासदी बिल्कुल। जलियांवाला बाग कतलेआम किस शहर में हुआ, तो ये अमृतसर शहर है, स्वर्ण मंदिर के बगल वाले इलाके। जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है, तो इसका आंसर सी हो जाए, डी हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड, इजी क्वेश्चन है ये तो। काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित क्यों हुए थे, तो मैंने बताया डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इनकी रिहाई के लिए, इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, इनकी रिहाई के लिए वहां पर लोग उपस्थित हुए थे। पंजाब के दो नेता लोकप्रिय डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए लोग वहां पर इकट्ठे हुए थे। जनरल रेगिनेल्ड एडवर्ड हैरी डायर ने निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवाकर 1000 लोगों की हत्या करवाई थी। ओके, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसके बाद अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, नाइट की उपाधि लौटा दी,
जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकरण नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। इन दोनों का नाम आप लोग याद रखना। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध प्रदर्शन में। 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ही थे, पता ही है क्यों, नाइट की उपाधि लौटा दी थी इन्होंने। टैगोर ने कहा कि समय आ गया है जब सम्मान के तमगे अपमान के बेतुके संदर्भ में हमारे कलंक को सुस्पष्ट कर देते। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं सभी विशेष उपाधियों से रहित होकर अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूँ। इन्होंने त्याग दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि को वापस लौटा दिया, किसने लौटा दिया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। किसके विरुद्ध विरोध प्रकाशन का अभिप्राय के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर ने कर दिया था? तो ये सबको पता है, नाइटवुड की उपाधि। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड बार बार एक ही क्वेश्चन है, और जलियांवाला बाग हत्याकांड 23 का भी वही हो जाएगा, सेम क्वेश्चन है। 24 भी सेम क्वेश्चन ही है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, रविन्द्रनाथ टैगोर नाइटवुड की उपाधि त्यागी थी। 25 है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय कार्यकारिणी परिषद से किसने इस्तीफा दे दिया? तभी उपाधि नाम आया था, बताओ, शंकरण नायर जी ने इस्तीफा दे दिया था वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्यकारी परिषद त्यागपत्र दे दिया था? सर शंकर नायर जी ने त्यागपत्र दे दिया था, सी आंसर हो जाएगा। निम्न से किसके द्वारा जलियांवाला कांड के विरोध में सर की उपाधि त्याग दी गई थी? जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। जलियांवाला बाग नरसंहार, इसको आपको सीक्वेंस में लगाना। डॉक्टर सत्यपाल का बंदी बनाया जाना, 1919 का अमृत कांग्रेस का अधिवेशन, बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, इसे बताओ, जल्दी आंसर बताओ, फिर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर होगा ए, सबसे पहले होगा डॉक्टर सत्यपाल का बंदी बनाया जाना, इसी के विरोध में तो जलियांवाला बाग नरसंहार ही हुआ था। 2-1-3 हो जाएगा। ओके, इसका आंसर ए हो जाएगा, 2-1-3। इन्हीं के बंदी बनाए जाने के विरोध में तो लोग वहाँ पर खड़े हुए थे। तो सबसे पहले डॉक्टर सत्यपाल का बंदी बनाया जाना आएगा, फिर जलियांवाला बाग नरसंहार, और फिर अमृतसर का कांग्रेस अधिवेशन। इसको बेहतरीन क्वेश्चन है ये, इसको आप लोग याद रख लेना। 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को गिरफ्तार किया गया था, 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हुआ था, और दिसंबर 1919 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन हुआ था। ये चीज़ याद रखना, कांग्रेस का अधिकांश अधिवेशन ना हर साल दिसंबर में ही आयोजित होते थे, क्योंकि दिसंबर में ही पहली बार कांग्रेस का गठन भी हुआ था। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। देखो, हंटर आयोग दो बार बना है, एक भारतीय शिक्षा से भी संबंधित है, एक हंटर आयोग है ना, और एक जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए भी बनाया गया था हंटर आयोग। इसमें दो भारतीय सदस्य भी थे, उसका भी नाम आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। और जलियांवाला बाग के लिए हंटर आयोग बनाया गया था, कमीशन ने मार्च 1920 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, पता ही है आप सबको, और इसमें नाम नहीं दिया है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को निम्न से किसने मार डाला था? तो उधम सिंह ने मार डाला था, वहाँ पर जाके लंदन में गोली मार दी थी। अगला क्वेश्चन है, ओ डायर को मारा था उन्होंने लंदन में 13 मार्च 1940 को, सर माइकल ओ डायर को गोली मारा गया था उधम सिंह के द्वारा, डी आंसर हो जाएगा 31 का। उधम सिंह ने लंदन में मारा था माइकल ओ डायर को, जनरल डायर को नहीं मारा था, ये तो खुद अपनी प्राकृतिक मौत मरा था हार्ट अटैक से। सर माइकल ओ डायर को गोली मारा था। ये क्या था उस समय, ये मैं बता देता हूँ, पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहा था ये, जिस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उस समय ये पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था माइकल ओ डायर। अभी उधम सिंह मूवी भी बनी है, बेहतरीन मूवी, देखना चाहिए आप लोगों को। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसको सौंपा गया था? कांग्रेस का जो जांच समिति बना था उसके रिपोर्ट का प्रारूप किसने लिखा था? तो महात्मा गांधी जी ने। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 1919 में जघन्य जलियांवाला बाग के कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, चेम्सफोर्ड ही था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था ये, पता ही है, बैसाखी के दिन। निम्नलिखित घटनाओं से किस एक को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के विशेष नाम से विशेषीकृत किया था? निवारक हत्या मतलब जलियांवाला बाग नरसंहार। निम्नलिखित में किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उमड़ी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश संहार की घटना घटी? तो पब्लिक, इसका आंसर दिया है रॉलेट एक्ट के खिलाफ ही विद्रोह वहाँ पर हो रहा था ना, रॉलेट एक्ट का ही इस समय आंदोलन चल रहा था पूरे भारत में। अगला टॉपिक है खिलाफत आंदोलन, अब इससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे, 96 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे इस टॉपिक में हम लोग, उसके बाद फिर अगले वीडियो में 100-150 टॉपिक में क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। निम्नलिखित में किसने खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया? नीचे दिए कूट में सही उत्तर को चुनिए, शौकत अली, मोहम्मद अली, सैयदुल्लाह अबुल कलाम आज़ाद जी। इसका क्या आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताओ, इसका आंसर हो जाएगा ए,
शौकत अली या मोहम्मद अली का ही नाम आता है। मैं पढ़ देता हूँ। खिलाफत आंदोलन भारत मुख्यतः मुसलमानों द्वारा चलाया गया राजनीतिक धार्मिक आंदोलन था। इस आंदोलन का उद्देश्य तुर्की में खलीफा के पद की पुनः स्थापना करने के लिए अंग्रेजों को दबाव बनाना था। खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ करने के लिए गठित खिलाफत कमेटी में, अब देखो खिलाफत कमेटी में शौकत अली, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान, हजरत मोहानी और डॉक्टर अंसारी शामिल थे। तथापि खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय मुख्यतः अली बंधु शौकत अली मोहम्मद अली को दिया जाता है। हाजी सरयतुल्लाह 19वीं सदी के फराइजी आंदोलन के संस्थापक थे। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। और इसमें ये लाइन आप लोग याद रखना, हाजी सरयतुल्लाह किस आंदोलन संबंधित हैं? फराइजी आंदोलन से। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना, नहीं, अबुल कलाम आज़ाद, रफ़ी अहमद किदवई, शौकत अली। इसका क्या आंसर हो जाएगा? ए हो जाएगा, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। इन मोहम्मद अली को मोहम्मद अली जिन्ना से कन्फ्यूज मत करना, ये अली बंधु अलग हैं। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा था? भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी उत्पन्न करना भावना, मुस्लिम समाज का सुधार करना, पृथक निर्वाचक मंडल की मांग करना, ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर एक और चार होगा, सबसे सटीक आंसर, बाकी इन सब में से कोई सा भी नहीं था। पृथक निर्वाचक मंडल तो पहले ही 1909 के एक्ट में ही मिल गया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किससे चुना गया था? तो महात्मा गांधी जी अध्यक्ष चुने गए थे खिलाफत आंदोलन का, ये आंसर हो जाएगा। दिल्ली में 23 नवंबर 1919 को होने वाले खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी को प्रदान किया गया था। दिसंबर 1919 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन से खिलाफत आंदोलन को और अधिक बढ़ावा मिला। गांधी जी से हिंदू मुस्लिम एकता के लिए ऐसे स्वर्णिम अवसर के रूप में देखते थे, है ना, कि खिलाफत आंदोलन से हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित होगी। खैर ये संभव नहीं हो पाया। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी की खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया, है ना, तो उनको क्या था? भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। बी आंसर इसका सबसे सटीक होगा, है ना। गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था किसने? दिया था महात्मा गांधी जी ने दिया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, सातवां क्वेश्चन कि किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों की एकता के ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्राप्त नहीं हो पाएगा? ऐसे एक ही थे, महात्मा गांधी जी ने ही देखा। निम्नलिखित में से किसे एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी उल मुल्क की पदवी त्याग दी? इसका क्या आंसर हो जाएगा? हकीम अजमल खान ने। और यह पदवी ब्रिटिश सरकार द्वारा वर्ष 1908 में उन्हें प्रदान की गई थी। गांधी जी को किसने सावधान किया कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें? किसने सावधान किया था गांधी जी को? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना। ये इस समय सेकुलर नेता थे, इन्होंने गांधी जी के खिलाफत आंदोलन का विरोध भी किया था कि आपको नहीं इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। मोहम्मद अली जिन्ना जब वे राष्ट्रवादी थे, नेशनलिस्ट थे, इस समय खिलाफत आंदोलन को देश के स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ने के विरोधी थे। उन्होंने गांधी जी को राजनीति को धर्म में न लाने की सलाह दी थी और बाद में इन्होंने धर्म के नाम पर देश अलग कर दिया। उन्होंने खिलाफत आंदोलन में गांधी जी की भागीदारी के विरुद्ध गांधी जी को सावधान किया था, मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें, ऐसा मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला था। लोगों को भी यकीन नहीं होगा, फिर बाद में इन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना ने धर्म के नाम पर पाकिस्तान बना दिया। निम्नलिखित में किसने महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन की भागीदारी की वर्षना की थी? तो एम ए जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, इसका डी आंसर हो जाएगा। मोहम्मद अली जिन्ना ने महात्मा गांधी के धार्मिक नेताओं द्वारा प्रारंभ खिलाफत आंदोलन भागीदारी की वर्षना की, जबकि मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान और हसरत मोहानी खिलाफत आंदोलन में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी थे। निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम कौन था? परिणाम क्या निकला? हिंदू मुस्लिम मतभेद में कमी आई, भाषा की समस्या तीव्र हुई, हिंदू मुस्लिम दंगे बढ़े, हिंदुओं को दबाया गया, तो इसका क्या होगा? मतभेदों में कमी आई, एकता प्रदर्शित हुई। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली के जमा मस्जिद में प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था कौन थे? महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, महामना मालवीय, स्वामी श्रद्धानंद। इसका आंसर स्वामी श्रद्धानंद ने जामा मस्जिद में भाषण दिया था, 30,000 मुस्लिमों के समक्ष भाषण दिया था उन्होंने। कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया मुख्यतः खलीफा की पुनःस्थापना के लिए, खलीफा को हटाने के लिए, पुनः मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए, कांग्रेस में जिन्ना को हाशिए पर लाने के लिए। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा 13 का? इसका हो जाएगा 1 और 3 सही है, मुसलमानों की सहानुभूति के लिए और खलीफा के पुनःस्थापन के लिए, बस यही दो रीजन था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्नलिखित में किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया? जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय और इधर है मोहम्मद अली जिन्ना, स्वामी श्रद्धानंद। तो मदन मोहन मालवीय जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, 14 का बी हो जाएगा आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1920 के ऊपर पढ़ देता हूँ, अगर कुछ है उसमें तो
मदन मोहन मालवीय सम्मिलित नहीं हुए थे। 1920 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस अधिवेशन का प्रमुख मुद्दा जलियांवाला बाग कांड और खिलाफत आंदोलन था। 1920 में जो हुआ, सितंबर 1920 में हुआ था ये, उन्होंने इस आंदोलन में कांग्रेस भागीदारी का विरोध किया। सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। वर्ष 1920 में खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन का नेतृत्व संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुई थी, ये पूछा है। 1920 में खिलाफत कमेटी की सभा कहाँ पर हुई थी, तो 15 का क्या आंसर हो जाएगा, सी इलाहाबाद में हुई थी। गांधी जी ने वर्ष 1920 में खिलाफत कमेटी की अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ असहयोग आंदोलन छेड़ने की सलाह दी। जून 1920 में खिलाफत कमेटी ने इलाहाबाद में इस सलाह को स्वीकार किया और गांधी जी को आंदोलन की अगुवाई करने का अधिकार सौंपा। 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया। तो कलकत्ता के विशेष अधिवेशन 1920 में लाला लाजपत राय जी थे अध्यक्ष, वहाँ पर इसको पारित किया गया। 16 इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिरा नहीं पाए, निम्नलिखित में कौन सी घटना से एचिसन ने इस प्रकार इस कथन का संबंध जोड़ा है। तो खिलाफत और असहयोग आंदोलन में हिंदू मुस्लिम को भिरा नहीं पाए थे, एचिसन ने ऐसा कथन दिया था। और एचिसन के उक्त टिप्पणी खिलाफत आंदोलन और 1919-22 संदर्भ में थी। धातव्य है कि तुर्की के प्रश्न पर ब्रिटेन के प्रति आक्रोश और मुसलमानों को हिंदुओं के समीप ला दिया। मोहम्मद अली जिन्ना ने घोषणा की थी वो मुसलमान पहले हैं, भारतीय बाद में हैं। 1921 का मोपला आंदोलन शाखा था किसका, खिलाफत आंदोलन का, और 1857 स्वतंत्रता संग्राम का, स्वदेशी आंदोलन का और असहकार आंदोलन का, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा खिलाफत आंदोलन का ही शाखा था मोपला आंदोलन। वहाँ पर भीषण दंगे हो गए थे बाद में, पहले गांधी जी ने मोपला आंदोलन का समर्थन किया था, बाद में इससे खुद को अलग कर लिया था क्योंकि वहाँ पर दंगा हो गए थे, ज़बरदस्ती भिराया गया था। तो 96 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए इस वीडियो में, अगले वीडियो में हम फिर 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना कॉमेंट करके और लाइक करके, है ना। अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए आप और शेयर कर देना वीडियो को थोड़ा सा, है ना। थैंक यू सो मच।